जय हिंद किसान साथियों, जय हिंद नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं हूं कश्मीर में और यहां पर अभी सेब की तुड़ाई चल रही है। काफ़ी खूबसूरत सेब लगा हुआ है जो आप मार्केट में देख रहे हो। ये अक्टूबर से ही शुरू हो जाता है और अब ये दिसंबर तक आपको मार्केट में सस्ते रेट में भी आपको दिखेगा। और अब हम जानते हैं कि कौन सी वैरायटी है, क्या रेट जा रहा है और इसमें क्या क्या खाद पानी दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहेल अहमद है। मैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, यमरश विलेज से। सोहेल भाई, ये कौन सी वैरायटी के सेब लगे हुए? ये हमारे पास रेड डेलिशियस की वैरायटी के लगे हुए हैं। रेड डेलिशियस? हाँ जी। रेड डेलिशियस पुरानी वैरायटी है कि नई है? नहीं, ये काफी पुरानी वैरायटी है। अच्छा, काफी पुरानी वैरायटी है। बिल्कुल जी, काफी पुरानी वैरायटी है हमारे। इसके जो पेड़ है आप देख रहे हो, ये करीब 17-18 फीट तक के हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, है ना। हाँ जी। कितने साल के लगभग होंगे? लगभग ये पौधा 40 साल के आसपास का होगा, 40-50 साल का आसपास। और ये कितने कैरेट देता है माल? ये हमारे को लगभग 20 क्रेट, यानी कि किलो कितना माने, कितना केजी? लगभग एक क्रेट में मान के ये चलो कि 20 केजी के आसपास आते हैं। अच्छा, तो 20 क्रेट ये आराम से दे सकता है। 20 क्रेट ये वहां तक? बिल्कुल जी, पूरे पौधे में। अच्छा। हाँ जी साथियों, ये देखें कि ये इसमें ये इस तरह सेव लगी हुई है और ये देखें काफी अच्छा साइज। भाई, ये पॉलिश होके जाती है मार्केट में या कैसे जाती है? नहीं, इसका विदाउट पॉलिश करके जाते हैं हमारा। अच्छा। क्योंकि यहाँ हमारा उतने ग्रेडिंग लाइन के समस्या, मशीन वगैरह नहीं, नहीं है। लेकिन जो आप जिसको सेल करते हो वो तो इनके ग्रेडिंग और पॉलिशिंग ये तो करते हैं ना? बिल्कुल जी। अच्छा। हाँ जी। अभी फिलहाल जो किस रेट में आपका सेव जा रहा है? हमारा तो इस साल काफी अच्छा मार्केट रहा है। हमारा यहाँ 70 से 110 रुपए तक भी किलो बिका इस साल। अच्छा। हाँ जी, 70 से 110 रुपए तक भी। 110 रुपए? बिल्कुल। कौन सी वैरायटी गई है? ये रेड डेलिशियस वैरायटी है। रेड डेलिशियस। साथियों, जो सेब की तुड़ाई हो रही है वो ये किसान साथी है, ये सेब की तुड़ाई कर रहे हैं। भाई, तुड़ाई करते वक्त क्या सावधानी रखते हो? ओ, मुझे हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो। अरे तुलान का ये तुलान के समय हमें ये सावधानी रखनी है कि ये कटना नहीं चाहिए ये दुमड़ी। अच्छा। फिर ये नक्कू के साथ तोड़ा जाता है? बिल्कुल जी। या ये अलग से ऐसे? नहीं नहीं, ये फिर हम कंजी से काट के करते हैं। अच्छा, ये इतना रहना चाहिए। अच्छा, इतना, अच्छा, इतना रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए। इससे भी कम जी? इससे भी कम? इससे भी कम रहना चाहिए। अगर इसको तोड़ देते हैं रोग लगने की संभावना है? नहीं, इससे हमारा फ्रूट का जो लाइफ है वो भी कम रहती है इससे। और इसका मतलब दो नंबर का सेब माना जाता है। अच्छा, अच्छा। जख्म लगता है, यानी कि ये जो है ये हाफ कर दिया जाए? बिल्कुल जी। इसका ये हाफ से भी नीचे? हाफ से भी नीचे। हाँ जी। ये हाँ जी, ये देखें, ये इतना होना चाहिए, यानी कि ऊपर से ये महसूस ना हो। बिल्कुल। ये जो पैकिंग आती है हमारी, पैकिंग इस टाइप की आती है। हाँ। अच्छा, जब ये हम इस टाइप की पैकिंग करते हैं तो ये एक दूसरे टच होता है, टच होता है, इसलिए हम इसको अंदर काटते हैं इसकी तरफ। अच्छा, अंदर काट के फिर ये पैक होता है इससे? बिल्कुल जी। साथियों, सेब की जब बड़े पेड़ हो जाते हैं, ये सीडलिंग पे ग्राफ्ट है, करीब 40 साल के लगभग इनकी उम्र हो चुकी है और ये सीढ़ियाँ लगाकर इस तरह या पेड़ पे चढ़ के फिर ये सेब तोड़ा जा रहा है। ये तोड़ने के बाद फिर इनको वापस कैरेटों में पैक किया जाता है। ये कैरेटों में जाने के बाद फिर इसका दूसरा स्टेज आता है यहाँ पर, ये ढेर लगेगा सभी का, ये सारे ही इस तरह का सेब, ये पूरा यहाँ पे आएगा। ये दूसरी एक वैरायटी है जो आप ग्रीन ग्रीन देखते हो, ये पोलिनाइजर वैरायटी एक, ये देखें, ये पोलिनेशन के लिए यूज आती है और ये भी मार्केट में अब अच्छे रेट पे जा रही है। आइए और दिखाते हैं आपको। ब्रेड ये है, ये अब मार्केट में जाने के लिए ये ग्रेडिंग होगा और एक एक करके फिर इनका रेट डिसाइड होगा। क्योंकि जो छोटा है वो अलग रेट में जाएगा, बड़ा है
वो अलग रेट में जाएगा और इनके कैरेटें पैक होंगे। ये कौन सी वैरायटी लगाई हुई है? ये हमारे पास इसका नाम है डेलिशियस ही बोलते हैं इसको। डेलिशियस बोलते हैं। सबसे लेट हार्वेस्ट। अच्छा हाँ। सबसे लेट यानी कि अब जो चल रहा है मार्केट में और रेट भी यही गिराती है। रेट भी यही गिराते हैं क्योंकि लेट आती है एक साथ मार्केट में पूरा आ जाता है। पूरा आ जाती है। ये कश्मीर में कितना परसेंट रेड डेलिशियस ही लगा हुआ है? कश्मीर में अगर हम इस टाइम इसका पूरा वो करके देखेंगे तो 95% जो जितने भी ग्रोअर हैं 95% के आसपास उनके पास ये ट्रेडिशनल काम है। यानी कि एक ही वैरायटी है लगभग। एक ही वैरायटी हाँ। असल में अगर हम बात करें ना सेल्डिंग और रूट स्टॉक की, हमारे पास ये सेल्डिंग का टेरिशरी रूट्स होते हैं जो अगर हम कोई भी फर्टिगेशन नीचे करके वो हमारे को जल्दी ऊपर नहीं मिल जाती है। M9 के ऊपर हमारे को शील्ड रूट्स मिल जाते हैं। शील्ड रूट्स मिलने की वजह से अगर हम उसमें आज फर्टिगेशन करें, दो दिन के बाद हमारे को पौधा बता रहा है कि मेरे को ये खिला, ये मेरे पास ये फर्टिगेशन पहुंचा है, तुरंत पहुंच जाता है। हाँ, बहुत तुरंत ले जाता है वो, क्योंकि उसका ना शील्ड रूट्स होता है। शील्ड रूट्स और टेरिशरी रूट्स में बहुत अंतर है। रूट भी छोटा होता है, नज़दीक होता है, फटाफट लेता है। और उसका जो सबसे बोनस पॉइंट में M9 के ऊपर मेरे पास जो एक्सपीरियंस आ चुकी है, M9 के ऊपर जो हम ड्रिप लगा रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन जो हमारे पास होती है, वो एक बहुत बढ़िया बोनस पॉइंट रहता है हमारे एक M9 के पौधे को चलाने में, क्योंकि उससे हमारे को प्रॉपर हम उसके फर्टिगेशन भी प्रॉपर दे सकते हैं उस ड्रिप की कारण।